नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकुड़ पुलिस ने 5 अपराधियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास एक देसी पिस्टल, जिंदा गोली और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। उपरोक्त जानकारी पुलिस कप्तान प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधियों द्वारा हथियार से लैस होकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पुलिस इंस्पेक्टर अनूप रोशन, भेंगरा मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव झा, मालपहाड़ी थाना प्रभारी सहित पुलिस जवान की टीम गठन की गयी। टीम ने जिकरहट्टी कूड़ा डांगा के एक निर्माणाधीन घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 लोग भागने का प्रयास किए, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर सभी को पकड़ने में सफलता पाई। जब तलाशी ली गई तो एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली और 5 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के समक्ष पकड़ाए सभी अपराधियों ने स्वीकार किया है। पकड़ाए गए अपराधियों में मीनारुल शेख पता बैदुल शेख, मंसूर शेख पता रब्बेकुल शेख, नसीबुल शेख, आखिरुल शेख, महबूब आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि सभी पकड़ाए अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा और कड़ी पूछताछ की जाएगी। छापेमारी टीम में नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन, ढेंगरा मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव झा, मालपहाड़ी थाना प्रभारी अंशु उपाध्याय, सचिन कुमार, मिथुन कुमार, रजक, राकेश कुमार, राजन, अयोध्या सिंह, बुदेव कुमार दास सहित जवान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पाकुड़। गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला हुआ? दिनांक 23 जुलाई की रात्रि और 24 जुलाई के सुबह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर नगरी गांव और जिकरहट्टी गांव के लोगों के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से अग्न्यास्त्र चलने की भी सूचना आई थी। पुलिस इसकी अनुसंधान काफी गंभीरता से कर रही थी और ये पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करने और इसके कारण पता लगाने के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। और ये पता चला कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसको लेकर के दो लोग उस जमीन को लेने के लिए लगे हुए थे और उसी में दोनों गांवों के लोगों के बीच में आपसी झड़प हो रही थी। इसके आलोक में मुफस्सिल थाना में भी एफआईआर दर्ज किया गया, मालपहाड़ी थाना में भी एक अन्य घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसी में जब पुलिस की टीम दोनों गांव में छापेमारी कर रही थी तो परसों रात की एक सूचना थी, जिसमें कल जब छापेमारी की गई तो 5 लोग एकत्रित होकर के किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उनके पास एक अवैध अग्न्यास्त्र पिस्टल भी था, 2 गोली भी मिला है। और उनसे जब प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि जो 23 की रात्रि और 24 के सुबह में जो घटना हुई थी उसी का बदला लेने के लिए ये लोग पुनः किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित होकर के प्लानिंग किए थे। इसके लिए अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई मुफस्सिल थाना में, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो 23 और 24 की घटना है उसके लिए जो प्राथमिकी दर्ज की गई है मुफस्सिल थाना में, मालपहाड़ी थाना में, उन सब में भी इनका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से रोल है। और इससे पहले भी 4 जुलाई को एक घटना घटी थी जिसके लिए मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर हुआ था। तो सभी चारों पांचों एफआईआर को मिलाकर के एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाया गया है और इस घटना को पूरी गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं। सभी अनुसंधानकर्ताओं को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे गंभीरता से अनुसंधान करते हुए एक एक व्यक्ति जो इसमें दोषी है सबके विरुद्ध साक्ष्य संकलित करे। और मैं आपको और आपके माध्यम से तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पिछले 20-25 दिन में इन दोनों गांवों के लोगों के बीच में जो आपसी झड़प चल रही है, इसमें एक एक लोग जो दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे और हम लोग कोर्ट में भी इंश्योर कराएंगे कि जो लोग भी इस घटना में शामिल है वो जेल जाने के बाद भी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर, इसमें 4-5 एफआईआर बताए सर, तो जो पहला एफआईआर था क्या उसी लैंड संबंधित था? दूसरा, तीसरा, चौथा बता रहे हैं, अगर वसी लैंड संबंधित एफआईआर था तो पूर्व में क्या गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है या पहली बार है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंड संबंधी एफआईआर नहीं है, वो झगड़े का एक जड़ था, बट अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं जिसके लिए अलग अलग एफआईआर हुई है। एक ही इंसिडेंट के लिए एक से अधिक एफआईआर संभव है नहीं, तो उसी को लेकर के कहीं न कहीं आपस में लोग आपसी रंजिश निकालते रहे हैं एक दूसरे के प्रति और इसीलिए अलग अलग एफआईआर हुई है। सभी एफआईआर में कुछ न कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मालपहाड़ी में एफआईआर हुई थी उसमें भी गिरफ्तारी हुई है। कल भी आपको पता चला होगा, कल भी जो 23-24 की घटना है उसमें एक आदमी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। आज जो गिरफ्तारी की गई है ये एक सेपरेट एफआईआर है, बिकॉज ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और साथ में अवैध अग्न्यास्त्र भी था। इसको लेकर के बड़ी घटना में किसी की हत्या का मामला पर बोल चुका, फिर से पुनः बोल रहा हूं कि सभी घटना को लेकर के पुलिस काफी गंभीर है और इसी वजह से एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। तमाम विषय पे उनको जांच करना है और उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।